टीजर को देखकर साफ पता चल रहा है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह और वरुण शर्मा को डबल रोल में दिखाया गया है। फिल्म के शॉट में सर्कस के माहौल को पूरे तरीके से तैयार किया गया है, जो कि देखने में बेहद ही शानदार लग रहा है। अब जुड़वा फिल्म की तरह ही इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां रणवीर इलेक्ट्रिक वायर को पकड़कर करतब दिखाता है, वहीं इसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। अब दोस्तों देखना यह है कि हीरो में ये पावर आती कैसे है और इसको दिखाया किस तरीके से है और इसमें रीजन को क्या डाला है। दोस्तों इस फिल्म में काफी उम्दा कलाकारों को लिया गया है, जैसे कि जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, सिद्धार्थ यादव, मुकेश तिवारी। अब दोस्तों जिस फिल्म में इतने सारे कलाकार हों और उसमें कॉमेडी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों कुछ ही मिनटों के ट्रेलर में कई कॉमेडी सीन को दिखाया गया है, जैसे कि खुद के पैर छो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, और दूसरा अजीबो गरीब तुम होंगे, हम तो अजीबो अमीर हैं। दोस्तों ये डायलॉग सुनने में जैसे भी हों, लेकिन मजा तो आता है। और दोस्तों दीपिका पादुकोण की जो एंट्री दिखाई गई है, उसे देखकर तो कसम से आपको भी मजा आ जाएगा। और दोस्तों सबसे खास बात, पूरा टीजर देखने के बाद भी क्या आपको कहीं पर हंसी आई, कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दर्शन 2 की तरह ये फिल्म भी अपना नाम और पैसा कमा पाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस बारे में मेरी राय 50-50 है, क्योंकि इसकी टक्कर में अवतार 2 भी रिलीज होने वाली है, जो कि हर तरीके से इस फिल्म को पछाड़ सकती है। तो दोस्तों ऐसे में ये फिल्म कहाँ टिकेगी कुछ पता नहीं, लेकिन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर टिक जाओ और कमेंट करके बताओ कि आपके इस बारे में क्या राय है। और दोस्तों यदि आपको हनुमान टीजर के बारे में रिव्यू देखना हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे किसी नए टीजर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।